हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हमने आपसे बात कर ली थी कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिए होंगे। इसके अलावा एक बुक से मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस और दिए थे, तो मैं उसकी भी उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिए होंगे। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स, वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उनके कुछ सॉल्यूशंस आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चे जिन्हें कुछ क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपको बताने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो एवरीवन, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से दिए थे। मेरे को लगता नहीं कि उस क्वेश्चंस में आप कहीं ना कहीं अटके होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चंस थे और उनमें से कई क्वेश्चन तो मैंने भी पिछले लेक्चर में आपको करवा दिए थे। दूसरी बुक के अंदर से जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उन पर एक बार नजर डालिए स्टूडेंट्स। ये स्क्रीन पर रहे वो क्वेश्चन, इनमें से मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं उनके सीरियल नंबर आप नोट कीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10, 11, 13 और 15। यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके डाउट्स इन क्वेश्चंस में से हैं तो आपके लिए लेक्चर बहुत अच्छा कारगर साबित हो सकता है, और अगर इनमें से डाउट नहीं है तो आप इस लेक्चर को लीव भी कर सकते हैं और अगले क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन जो है वो डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। sec x माइनस वन और sec x प्लस वन। यस स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू मान लेते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या किया होगा इस क्वेश्चन के अंदर, आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया होगा। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर sec x का मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो आता है क्या, sec x tan x। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं sec x को 1 अपॉन cos x लिख लूं तो cos x का इजीली डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का sin x। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को हमें cos में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। देखिए किस तरह से कर रहा हूं, y एज इट इज और sec को लिखा 1 अपॉन cos x, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू ऊपर की तरफ हमने एलसीएम लिया और लिख दिया 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, और यहां पर जो एलसीएम लिया था cos x, ये cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम करेंगे इसको सॉल्व करना। तो देखिए dy बाय dx दोनों तरफ लिख दिया, इधर भी लिख दिया मैंने d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स u अपॉन v। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला u है, ये दूसरा वाला v है, मतलब फंक्शन फर्स्ट वाला u सेकंड वाला v। तो u अपॉन v का फॉर्मूला आपको पता होगा, v का स्क्वायर करते हैं नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में, और देखिए मैं यहां करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला चेक कीजिएगा, 1 प्लस cos x का स्क्वायर होल स्क्वायर, v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन किया, v क्या है 1 प्लस cos x, v को छोड़ा एंड d बाय dx ऑफ 1 माइनस cos x, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का किया, तो 1 माइनस cos x को छोड़ा और d by dx किया नीचे वाले का, यानी कि 1 प्लस cos x का। नहीं चाहिए, नहीं दिख रही तो मैं बोल देता हूं, 1 प्लस cos x dx ब्रैकेट में 1 माइनस cos x माइनस ब्रैकेट में है 1 माइनस cos x फिर ब्रैकेट के बाहर d by dx ब्रैकेट में 1 प्लस cos x, सिर्फ जचाया है लिखा है सिर्फ। देखिए dy by dx इज इक्वल टू, नीचे का तो साफ एज इट इज रहेगा, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर।
यहां पर 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए 1 का हो जाएगा 0, माइनस की जगह माइनस, और कोस का होता है माइनस साइन एक्स, तो ब्रैकेट में इसका 0 लिख दिया, 0 माइनस कोस का माइनस का साइन एक्स, तो 0 प्लस साइन एक्स को डायरेक्टली साइन एक्स लिख दे। तो ये चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी, अब धीरे धीरे हम सीखेंगे। माइनस लगाया फॉर्मूले का, और 1 माइनस कोस एक्स हमने यहां पर लिखा। 1 प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, 1 का हो गया 0 और कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। तो क्यों ना स्टूडेंट्स इस माइनस को बाहर लेके आ जाया जाए यहां पर, और इसको प्लस कर दें ऐसे, और ये हो जाएगा साइन एक्स। सिंपल, समझे स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या कर रहा हूं, यहां से आप साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए। देखिए दोनों टर्म के अंदर साइन एक्स है, तो मैंने साइन एक्स कॉमन निकाल लिया, क्या बना 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो यस डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यस स्टूडेंट दिस इज आवर आंसर, हम इतना कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, जनरल कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जितनी अच्छी करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं छोड़ रहा हूं इसको, इसके आगे आप करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले आप इसको y के इक्वल मान लो, और आपने ट्राई किया होगा मैं उम्मीद करता हूं। तो अगर स्टूडेंट्स इसमें u अपॉन v लगा दिया जाए डायरेक्टली, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन चली जाएगी, क्योंकि हमने कर रखा है इसको। क्या करोगे, v का स्क्वायर किया नीचे की तरफ, v को छोड़ा u का किया, प्लस u को छोड़ा v का किया, इस तरह से करोगे कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाएगी। करोगे उस तरह से भी वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि क्यों ना इसको छोटा कर लिया जाए। तो चलिए इसको छोटा करते हैं, हम क्या कर रहे हैं रेशनलाइजेशन कर रहे हैं दोनों तरफ। तो मैं बोलूंगा बाय रेशनलाइजिंग को बोलते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है बताता हूं स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है, नीचे वाली जो टर्म होती है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर थोड़े ना है, नहीं स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, एक्स है सिर्फ। ओके स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई कीजिए नीचे वाली टर्म से साइन चेंज करके, 1 प्लस एक्स यहां प्लस है तो माइनस कर दीजिए, 1 माइनस एक्स एज इट इज अपॉन रूट में आएगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स देखिए ये नीचे वाले जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म प्लस में है, और सेम टर्म माइनस में भी है, बस बीच में माइनस है। तो हमें पता है a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला है। तो नीचे का पहले लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। समझे आप बात को, और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों तो देखिए सेम है, 1 प्लस एक्स का रूट माइनस 1 माइनस एक्स का रूट, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद देखिए ओपन कीजिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, 2 1 प्लस एक्स बी 1 माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां ओपन करेंगे इसका स्क्वायर तो रूट कट जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, यहां पर भी रूट कट जाएगा तो माइनस तो ये रहा,
यहां बचेगा सिर्फ वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स था तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, इसलिए माइनस का वन एंड प्लस का एक्स, समझे? वन से वन कैंसिल हो गया क्या? हो गया। यहां देखिए इसको ओपन करूंगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा वन प्लस एक्स माइनस, यहां ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, रूट में क्वांटिटी है वन प्लस एक्स और रूट में क्वांटिटी है वन माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था ये वाला, ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा ये, तो टू रूट वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। प्लस यहां भी रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो वन माइनस एक्स बन जाएगा डिवाइडेड बाय, मेरे पास बनेगा टू एक्स, एक्स प्लस एक्स, ओके। देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये वन से वन एड हो जाएगा, तो वन प्लस वन टू माइनस टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स? ऊपर से टू कॉमन ले लीजिए, उस स्टेप के बाद यहां आ जाइए, ऊपर से जैसे ही टू कॉमन लेता हूं तो यहां बनेगा वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स, देखिए टू से टू कैंसिल हो गया तो टर्म क्या आई मेरे पास में, वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। देखिए स्टूडेंट्स ये टर्म मेरे पास में आई, इस टर्म को कन्वर्ट करने पर ये आई, ये सिर्फ कन्वर्ट किया है, डीवाई बाय डी एक्स अभी तक किया ही नहीं है, तो ये वाई के इक्वल थी तो स्टूडेंट्स ये भी तो वाई के इक्वल होगी, सिर्फ हमने कैलकुलेशन करके उसको इजी कर लिया, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x है, दोनों तरफ dy बाय dx करने पर, इधर भी कर दिया और dy dx इधर भी कर दिया, वन माइनस रूट में आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। हा स्टूडेंट्स अब इसमें हम u अपॉन v इजीली लगा सकते हैं, ये ऊपर वाला तो आप मान लीजिए u, ये वाला आप मान लीजिए v, और इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए ध्यान से, u अपॉन v का फॉर्मूला आपको याद होगा, नीचे की तरफ v का स्क्वायर करते हैं मतलब x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, x को छोड़ा और ऊपर वाले का किया, d बाय dx ऑफ वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर वाले को छोड़ा वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाय डी एक्स किया किसका? नीचे वाले का, मतलब कि एक्स का, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं देखिए कैसे, ध्यान से, वन का करूंगा जीरो, माइनस की जगह माइनस, देखिए टर्म पूरी की पूरी रूट में है तो पहले रूट का करेंगे, दिस इज वन अपॉन टू रूट एक्स, रूट का कर दिया, अब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका करो मल्टीप्लाई, रूट में क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन का तो हो गया जीरो, माइनस की जगह लगाइए माइनस, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स। इस तरह से करना है स्टूडेंट्स, जहां भी इस तरह टर्म दिखे तो ब्रैकेट लगा के करना है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। हमने इसका कर दिया है तो अब कर दीजिए ब्रैकेट को क्लोज, माइनस यहां देखिए इसका तो वन हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, इसका तो वन हो गया और वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा, तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस रूट में आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, समझे बात को? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं देखना बहुत जरूरी है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, देखिए जीरो को तो हटा दो कोई सेंस नहीं है इसका, माइनस माइनस प्लस
ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होके आ गया 2x डिवाइडेड बाय 2√1 − x²। ठीक है, ब्रैकेट −1 + √1 − x²/x²। इसके आगे की टर्म यहां देखिए स्टूडेंट्स, 2 से 2 कट गया और ये x अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बना x²/√1 − x²। dy/dx = x²/√1 − x²। ओके, −1 − √1 − x²। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे की तरफ आएगा साहब x²। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या करूंगा, ऊपर की तरफ है जो टर्म, सबके नीचे 1 लगा दो, यहां भी 1 लगा दो और ऊपर की तरफ एलसीएम ले लो √1 − x²। देखिएगा dy/dx = ऊपर की तरफ आया एलसीएम 1 − x²/ ये एज इट इज x²-1 का इसमें करेंगे डिवाइड, तो इतनी बार ही जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो √1 − x²+ वही सेम टू सेम 1 का इसमें डिवाइड करेंगे, इतनी बार जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो रूट हट जाएगा स्टूडेंट, तो आएगा 1 − x²। ये बिल्कुल एलसीएम वाली कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए 5वीं क्लास की। नीचे की तरफ x², x²/x² कट गया, क्या बचा स्टूडेंट्स, dy/dx = 1 − √1 − x²/1 − x²/x²। इसके नीचे 1 लगाइए और इसको ऊपर की तरफ पलट दीजिए ऐसे कैसे, तो पलटेंगे तो क्या आएगा dy/dx = 1 लगाओ यहां पे, ऊपर वाली टर्म एज इट इज 1 − x²/√1 − x², 1/x², ये टर्म पलट गई ऊपर जाके, तो x² को इसके साथ लिख दो यहां पे, बस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, y = sin x degree। मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है, जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स, इसमें जो ये साइन का थीटा होता है ना स्टूडेंट्स, ये हमेशा रेडियन में होता है, कभी भी डिग्री में नहीं होता। लेकिन आपके सामने समस्या आ गई कि एक्स डिग्री, तो हमें इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि 180 degree = होता है स्टूडेंट्स पाई रेडियन, ये होता है 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो 1 degree = कितना हो जाएगा, 180 नीचे चला जाएगा, तो 180 रेडियन हो जाएगा। हमें कितना चाहिए, एक्स डिग्री, तो हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो x degree = π 180 x रेडियन। तो यस स्टूडेंट्स, पहले x डिग्री की जगह पर हमें साइन ये रखना पड़ेगा π x / 180। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज dy/dx, साइन का करूंगा तो cos थीटा एज इट इज π x 180। ठीक है, इस वाली टर्म का करूंगा स्टूडेंट्स, तो x का तो हो जाएगा 1 और ये है कांस्टेंट, π/180 क्या है कांस्टेंट, और x का क्या हो गया 1, तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 आप इसी तरह से कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, y = log√ में दिस। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पहले लॉग का किया, फिर रूट का किया, फिर u/v लगा दिया, लेकिन हम कर चुके हैं इसलिए हमें पता है कि इस तरीके से कैलकुलेशन हाई जाएगी। इसीलिए आप क्या काम कीजिए, यहां पर इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। क्या करूंगा, log बेस e एज इट इज, और मैं इसको लिख दिया कुछ इस तरह से, 1 − cos x / 1 + cos x^2। भैया रूट का मतलब 1/2 ही होता है, और आपको एक चीज पता होगी कि log x का जो इस की जो पावर होती है, log के थीटा की जो पावर होती है वो आगे कूद सकती है,
पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो याद रख लो कि लॉग के जो थीटा की पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो यहां ला सकता हूं आगे की तरफ, वन अपॉन टू लॉग बेस ई वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अब आपको एक बात और पता होगी कि लॉग अगर ए अपॉन बी में दो फंक्शन है ऊपर नीचे, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी। समझे स्टूडेंट्स? तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वन बाय टू लॉग, देखिए वन बाय टू को बाहर रखिए, ये वाला फंक्शन वन माइनस कोस एक्स माइनस नीचे वाला फंक्शन लॉग वन प्लस कोस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब करिए इसका डिफरेंशिएशन, अब बड़े आसानी से हो जाएगा। तो देखिए यहां लिखा मैंने डी बाय डी एक्स, वन बाय टू तो कांस्टेंट है तो यहां लिखा बाहर वन बाय टू एज इट इज, और डी बाय डी एक्स और किसका डी बाय डी एक्स, इस वाली टर्म का लॉग वन माइनस कोस एक्स माइनस लॉग वन प्लस कोस एक्स। ओके चलिए स्टूडेंट्स करना स्टार्ट करते हैं। डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू ब्रैकेट लगाया, लॉग का होगा वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन ये एक्स है लॉग का, लॉग का थीटा ये है, तो वन माइनस कोस एक्स, मल्टीप्लाई लगाइए और यहां ब्रैकेट लगाइए। अब इसका करिए, वन का हो गया जीरो, माइनस लगाइए, कोस का होता है माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का। समझे आप? फिर ये वाला माइनस लगाइए, लगाए वन अपॉन ये वाला आ जाएगा नीचे वन प्लस कोस एक्स, मल्टीप्लाई लगाइए, इसका कीजिए डिफरेंशिएशन, वन का हो जाएगा जीरो प्लस कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहां लिख दीजिए माइनस का साइन एक्स और ब्रैकेट लगा के बंद कर दीजिए। चलिए इसके आगे की स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एवरीवन, डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू साइन एक्स, यहां आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस कोस एक्स, यहां देखिए माइनस का साइन एक्स माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स ऊपर की तरफ और नीचे आ जाएगा वन प्लस कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स। ठीक है एवरीवन, अब हम ऊपर से साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू साइन एक्स, ऊपर से कॉमन आ चुका है, क्या बनेगा वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स, ये टर्म बन गई। अब तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, वन अपॉन टू साइन एक्स, नीचे एलसीएम लेंगे वन माइनस कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन प्लस कोस एक्स प्लस इसका देंगे इसमें, तो वन माइनस कोस एक्स, वन माइनस कोस एक्स, ये कोस से कोस कट गया, वन माइनस, आपको ये चीज तो पता ही होगी स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है, तो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू साइन एक्स एज इट इज, ऊपर की तरफ बना टू तो लिख दीजिए मल्टीप्लाई टू डिवाइडेड बाय, इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन से एक साइन कट गया, टू से टू कट गया, क्या बचा वन अपॉन साइन एक्स, तो यहां आ जाएगा वन अपॉन साइन एक्स। और स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक एक्स, तो यस एवरीवन, डी वाई बाय डी एक्स का क्या वैल्यू आ चुका है मेरे पास में कोसेक एक्स, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेवन हमने कर लिया है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर नाइन भी इसी तरह से होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, सेम टू सेम उसी तरह से करना है जैसा कि अभी आपको मैंने सेवंथ बताया था, लॉग एज इट इज लिखो
इसको लिखो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और इसकी पावर लिख सकता हूं 1/2। ये 1/2 आगे की तरफ आ जाएगा, दिस इज 1/2 लॉग ई 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, लिख सकता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम ब्रैकेट लगा के लॉग 1 प्लस साइन एक्स और प्लस नहीं माइनस लगा के लॉग नीचे वाली टर्म 1 माइनस साइन एक्स, समझे। और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वहां पर कोस था यहां पर साइन है। आप सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ट्राई कीजिए, आपका जो आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स वो आएगा सेक एक्स। तो इसको यही छोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम, और हम जा रहे हैं स्टूडेंट्स देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ नहीं करना है, लोग ए अपॉन बी, फर्स्ट फंक्शन ये ऊपर वाला, नीचे वाला ये वाला फंक्शन है। तो इसको मैं लिख सकता हूं इस टाइप से, लोग पहले ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लगा के लॉग ए, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाई के इक्वल है तो ये भी वाई के इक्वल है, वाई इज इक्वल टू, ये मेरे पास में टर्म आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब आप दोनों तरफ डीवाई बाय डीएक्स कर दीजिए, डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू डी बाय डीएक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए। अब दो फंक्शन है इसका मतलब अलग अलग डीवाई बाय डीएक्स बट जाएगा आपस में, तो डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू डी बाय डीएक्स ऑफ लॉग 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी बाय डीएक्स ऑफ लॉग ए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, बेस ई सब जगह लिख लीजिएगा, वो बात यह है कि a इज अ कॉन्स्टेंट, जब a कॉन्स्टेंट है तो log a भी कॉन्स्टेंट होगा। ये बात आप याद रख लीजिए कि अगर आपका a कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब साइन a भी कॉन्स्टेंट होगा, cos a भी कॉन्स्टेंट होगा और log a भी, सबके सब कॉन्स्टेंट होंगे, समझे स्टूडेंट्स आप। तो आपका ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी स्टूडेंट्स। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे देखिए किस तरह से, डी वाई बाय डी एक्स पहले लॉग का कीजिए 1/2 इस पूरे को मान लीजिए लॉग का थीटा एक्स प्लस रूट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब इसका कीजिए कैसे, एक्स का हो गया 1 प्लस रूट का करेंगे 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई लगाइए वापस से। अब रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका भी कीजिए, एक्स स्क्वायर का करूंगा स्टूडेंट्स तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैं यहां पर जो तरकीब कर रहा हूं मैं सबका एक साथ कर रहा हूं, समझिए आप, ताकि हमारे स्टेप्स बचे और दिमाग चले। एक बार दोबारा देखिए, मैं वापस से बताता हूं आपको, सबका एक साथ डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। कैसे कर रहा हूं देखिए, पहले लॉग का किया इसको थीटा मान के, तो 1/x + √x + a² मल्टीप्लाई लगाया। अब लॉग का जो थीटा है इसका करो ब्रैकेट लगा के, एक्स का हुआ 1 प्लस लगाओ, रूट का करो 1/2 √x, तो 2 रूट का क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रूट के अंदर भी तो ये है, तो यहां मल्टीप्लाई लगाओ और एक ब्रैकेट लगाओ और एक्स स्क्वायर में करो तो आएगा 2x, और ए स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, देन द डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस 0, और इसका पूरा का पूरा ब्रैकेट लगा दो। एक ही स्टेप में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, समझे आप। अब देखो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 1/x + √ में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई। देखिए किस तरह सॉल्व कर रहा हूं, 2x + 0, तो क्यों ना 2x ही लिख लें इसको, और 2x वाली जो क्वांटिटी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्या, तो क्या बचेगा
वन प्लस ये एक्स यहां आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझे स्टूडेंट्स? अब देखिए इसके आगे की काम, यहां देखिए आप, मैं मिटा के नहीं कर रहा, यही कर रहा हूं। देखिए यहां एलसीएम लेंगे, यहां एलसीएम लेंगे, क्या बन जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे की तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, और ये चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये एक्स एज इट इज आ जाएगा। भाई ये तो आता होगा काम, एलसीएम लेने वाला तो मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। ये मल्टीप्लाई में टर्म है नीचे वाली, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरा का पूरा कट गया स्टूडेंट्स। क्या आया? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया है। ये एलसीएम लेना नहीं आता है तो बता देता हूं कैसे लेना है। नीचे वन लगाइए, एलसीएम लीजिए दोनों का, क्या आएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए यहां पर। अब इस वन का डिवाइड कीजिए इस नीचे वाले में, कितनी बार जाएगा? इतनी ही बार जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले ऊपर वाले से। बीच में लगाइए प्लस, अब इसका डिवाइड कीजिए इसमें, कितनी बार जाएगा? वन टाइम जाएगा, और वन मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर से प्लस। ये भी समझ में नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा? यही आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बीच में प्लस, और वन को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आ जाएगा। इस तरह से कर लो आप, तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स ये आएगा। देखते हैं इलेवंथ क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, क्या लगेगी? y के इक्वल में मान के पहले ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस लगा के नीचे वाला लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, पहले इसका कीजिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों तरफ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई सॉरी डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, डिफरेंशिएशन अलग अलग बट जाएगा दोनों में, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पहले कर दीजिए, देखिए कैसे, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स, इसका करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ब्रैकेट लगा के इसका कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? टू एक्स होता है, प्लस लगाइए, एक्स का क्या होता है? वन होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा किया है काम। यहां देखिए लॉग का कर रहा हूं तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई लगा के इसका कर दीजिए, दिस इज टू एक्स माइनस वन। अब आप इनको क्या कीजिए, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है, तो आगे का काम आप कर लेना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में इसका आंसर है वो ये है, टू ब्रैकेट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर। ठीक है एवरीवन, इस तरह से करना है, y इज इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर टेन थ्री एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा है कि d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है? a की पावर x log a, यही तो होता है a की पावर x log a। ठीक है, तो a की पावर x की जगह पर क्या है? टेन थ्री एक्स है, तो कर दो स्टूडेंट्स इसको, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी कर दीजिए d बाई डी एक्स a की पावर टेन थ्री एक्स। ओके, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए पावर टेन थ्री एक्स, तो ए की पावर एक्स लॉग ए,
ए की पावर एक्स, ए की पावर टेन थ्री एक्स लॉग ए ए। अब मल्टीप्लाई करके करिए टेन थ्री एक्स का, टेन का क्या होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है थ्री एक्स है, ये फॉर्मूला मिटा देता हूं, थ्री एक्स है, मल्टीप्लाई लगा के करिए टेन थ्री एक्स का हो गया, अब बचा थ्री एक्स, तो थ्री तो एज इट इज रहेगा और एक्स का हो जाएगा वन, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय वन दैट इज थ्री हो गया, तो साहब यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा के और ये भी सिखा है कि सारे फंक्शन का एक साथ डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। अब देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं मान लेता हूं यू, इसको मैं मान लेता हूं स्टूडेंट्स वी। ध्यान से समझिएगा, इसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले तो यहां पर dy अपॉन dx और इधर की तरफ d अपॉन dx करके लिख दीजिए इसको, ये आपकी पहली स्टेप होती है साइन 3x। ठीक है एवरीवन, दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए u को छोड़िए v का कीजिए, तो u को छोड़ा साइन क्यूब एक्स और v का किया d बाय dx ऑफ साइन 3x प्लस, इसको छोड़िए इसका कीजिए, इसको लीव किया और d बाय dx या किसका साइन क्यूब एक्स। ठीक है एवरीवन, देखिए कैसे करते हैं, dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स तो एज इट इज रहेगा और साइन 3x का करेंगे स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, देखिए पहले करूंगा साइन का फिर मल्टीप्लाई लगा के करूंगा 3x का, समझ में आया, तो साइन एक्स का किया ब्रैकेट लगा दीजिए, साइन का किया तो आया कोस थीटा क्या है 3x मल्टीप्लाई, अब मैं करूंगा 3x का, तो स्टूडेंट्स 3 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब किसी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट आता है तो वो तो एज इट इज रहता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो 3 तो एज इट इज रहेगा और x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो 3 बनजा 3 रहेगा यहां पर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस यहां रहेगा साइन 3x एज इट इज, और स्टूडेंट्स यहां देखिए कैसे कर रहा हूं, ब्रैकेट लगाया पहले साइन की पावर का करूंगा, पहले पावर आगे कूदेगी 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहले मैंने पावर का किया, अब मल्टीप्लाई लगा के कर रहा हूं साइन का, और साइन का क्या होता है स्टूडेंट्स कोस एक्स, समझे। चलिए इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 को आगे लिख दीजिए 3 साइन क्यूब एक्स डॉट कोस 3x, ओके, प्लस यहां पर भी 3 को आगे लिख दीजिए 3 साइन 3x, यहां है साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स। अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो 3 इधर भी है, इधर भी है, और साइन क्यूब एक्स इधर भी है और यहां साइन स्क्वायर एक्स है, पूरे में से साइन स्क्वायर एक्स और 3 कॉमन ले लीजिए आप, तो बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 3 बार आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो यहां बनेगा साइन एक्स डॉट कॉस 3x। ठीक है, प्लस 3 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, तो क्या बनेगा साइन 3x कोस एक्स एवरीवन। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट्स एक बात पता होनी चाहिए, मैं यहां बता देता हूं वो बात कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं इनको, इसको इधर और इसको इधर लिख लो, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी। तो स्टूडेंट देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर, यहां बनेगा साइन ए की वैल्यू है एक्स और बी की वैल्यू है 3x, तो एक्स प्लस 3x, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स
और साइन एक्स प्लस थ्री एक्स दैट इज 4x। तो यस स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x। यस स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। और स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करे हैं, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस की आप और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको कोई बुक आपके पास मिल जाती है, कोई टेक्स्ट बुक आपके पास में है, कोई रेफरेंस बुक आपके पास में है, तो चेन रूल के सारे क्वेश्चन कर डालिए अनसॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर डिफरेंशिएशन का। आज के लिए ऑल द बेस्ट।